ओके दोस्तों, सो यहाँ पे एक और बॉबी फिशर्स का बहुत ही अच्छा सा मुंह है और आप सोच भी नहीं सकते कि ये मुंह इतने इंटरेस्टिंग है कि तुरंत ही सामने वाले ओपोनेंट को चेकमेट कर दिया है। तो यहाँ पे बॉबी फिशर्स के पास ब्लैक पीसेस है और 23 मूव्स के बाद कुछ इस तरीके की गेम सिचुएशन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेम पूरी तरीके से व्हाइट जो है वो 1 2 3 4 व्हाइट के पास 4 मेजर पीसीस है और व्हाइट के पास जो है वो रुक है और ब्लैक के पास एक भी रुक नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे व्हाइट के पास 1 2 3 4 5 पॉन है तो पॉन वाइज तो दोनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक पीसीस बॉबी फिशर्स के पास है और व्हाइट पीसेस उनके ओपोनेंट के पास है। तो यहाँ पे आप कैन यू बिलीव इट के 2 मूव में ये ब्लैक व्हाइट को चेकमेट कर सकता है यही सिचुएशन में। तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि ऐसे 2 मूव कौन से होने चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही बड़ा एक सेक्रीफाइस है। तो 2 मूव में तुरंत ही ये गेम पूरी जो है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है ब्लैक में। तो सबसे पहला मूव है Q2F4 चेक, वेरी बिग सेक्रीफाइस ऑफ दिस क्वीन। ऑब्वियसली व्हाइट ये क्वीन को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। अगर व्हाइट ये क्वीन को कैप्चर नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके दो पीसीस है, दोनों में से कोई भी एक पीसीस के ऊपर बहुत ही बढ़िया अटैक होने वाले हैं। अगर व्हाइट यहाँ पे भी आता है तो फिर ये जो नाइट है वो यहाँ से आके नंबर ऑफ चेक्स उसको दे सकता है। उसके पास सिर्फ ये एक ही ऑप्शन रहेगा और ये बिशप जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से ये आगे भी आ सकता है, तो यहाँ से पॉसिबल है कि नंबर ऑफ मूव में वो चेकमेट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे व्हाइट ने क्वीन को कैप्चर कर दिया है और यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा मूव Bishop2F6 चेकमेट। व्हाइट किंग के पास मूव होने के लिए कोई स्क्वायर ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन था